वो अम्बाला से है जहां बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, इसलिए ज्यादातर कांग्रेसी बीजेपी में आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो बंटाधार हो चुका है। साथ ही विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की जापान वापसी का इंतजार है, इसके बाद सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और केवल ये नहीं है कि कांग्रेस काट रही है, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस की टिकट लोग लेना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ये शब्द यूज़ किया जा रहा है कि हम काट रहे हैं। जिसको टिकट देते हैं वो भाग रहा है टिकट लेने से, तो कांग्रेस का तो बिल्कुल बंटाधार हो चुका है। बीजेपी की लिस्ट है, हमने 90 की 90 सीटों पर सशक्त उम्मीदवारों के पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिए हैं और इसी सप्ताह में केंद्रीय चुनाव समिति कैंडिडेटों के नाम अनाउंस कर देगी।